कहीं पर भी किसी भी कंट्री में देख लीजिए, चाहे इंडिया है किसी में भी, सब जगह डेटा का ही यूज है, क्योंकि तो डेटा ही से पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किसको लाइक करते हो, किसको डिसलाइक करते हो, और उसी डेटा को यानी कि कंसेप्चुअल बेस पे क्लीनिंग करके, एनालाइजिंग करके वो डेटा साइंटिस्ट काम करता है बेसिकली। तो अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होते थे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, आपने ये सुने होंगे बेसिकली। ये 12th पास भी हो सकता है, ये ग्रेजुएट भी हो सकता है, और ये MBA पास आउट वाला भी हो सकता है बेसिकली। इनका बेसिकली जॉब क्या रहता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का बेसिकली जॉब रहता क्या है, सिर्फ डेटा की एंट्री करना है। वो कोई नॉर्मल बंदा भी डेटा एंट्री कर सकता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि इसका जो पैकेज होता है वो बहुत कम होता है बेसिकली। एज कम्पेयर टू डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, मैं तीनों के बारे में बताऊंगा आपको कि डेटा एनालिस्ट क्या कर रहा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या कर रहा है, और डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं बेसिकली। तो अगर मैं बात करूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो पहले क्या होता था, एक सॉफ्टवेयर बन जाता था। आपने देखा होगा जब आप वोडाफोन की या एयरटेल की सिम लेते हो, तो आप एक फॉर्म भरते हो बेसिकली और साइन करते हो कि मेरा ये डिटेल्स है। अब वो फॉर्म कहीं जाता होगा किसी कंपनी में, उस कंपनी को करने में यानी फॉर्म को फिलअप करने में कंप्यूटराइज करना है उसको बेसिकली, तो जिस बंदे की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड डेटा एंट्री। अब वो एडर एक्सेल में करे, एडर सॉफ्टवेयर में करे, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिनकी डिमांड ज्यादा है मैं बता दूं, मगर यहाँ सैलरी पैकेज ज्यादा नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट, डेटा एनालिस्ट क्या करता है। अब इससे बड़ा जो ओहदा होता है बेसिकली, पोजीशन होती है, वो डेटा एनालिस्ट की होती है। आपने कई लोगों ने एक्सेल किया होगा, एक्सेल किया है, उसमें डैशबोर्ड बनाए हैं आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए एक पाइवट टेबल को मर्ज करके डैशबोर्ड बनाया जाता है जिसमें सारी रिपोर्टिंग एक ही जगह हो जाती है। तो डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है बेसिकली, जो कॉन्सेप्चुअल डेटा होता है उसको वो उठाता है और उस पर अपनी रिपोर्टिंग करता है ग्राफिकली फॉर्म में। आपने देखे होंगे ऐसे चार्ट कि कंपनी कहाँ प्रोग्रेस कर रही है, डिसएग्रीगेटेड चार्ट भी होते हैं जो बताते हैं कि ये प्रॉफिट्स में लॉस में जा रही है बेसिकली कंपनी, कि इस सेमेस्टर में यहाँ था, इस सेमेस्टर में यहाँ, इस सेमेस्टर में यहाँ। तो वो सारे के सारे ये जो काम होता है वो डेटा एनालिस्ट ही करता है। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए 10 साल का पिछली कंपनी का डिटेल उठा लिया, सारा डिटेल कंपनी का उठा लिया 10 साल का, अब उसको कॉन्सेप्चुअल बेस पर एनालाइज कर उसे रिपोर्टिंग फॉर्म में डिलीवर करता है। रिपोर्टिंग फॉर्म जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि 10 कंपनी का डेटा है, एक्सेल स्क्रॉल करते रहो, 10 पन्ना देखते रहो, एक तो वो है, और एक मैं एक ग्राफिक फॉर्म में बना दूँ कि 2005 में हम यहाँ थे, 2006 में हम यहाँ पहुँचे, 2007 में यहाँ आ गए क्यों। तो यानी जो डेटा एनालिस्ट है वो प्रीवियस डेटा पे काम कर रहा है, यानी जो ऑलरेडी उसे डेटा मिला हुआ है। अब जरा डेटा साइंटिस्ट की बात करते हैं। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट फ्यूचर मॉडलिंग पे काम करता है, जिसे हम प्रिडिक्टिवली मॉडलिंग कहते हैं। इसलिए वो प्रिडिक्शन लगाता है कि अब यूजर की रिक्वायरमेंट क्या आने वाली है। अब इसको प्रिडिक्शन में लाने के लिए बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं कि वो प्रिडिक्ट कैसे करेगा, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होंगे, कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट उसे आना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट ही क्यों, अब देखो मैं बताता हूँ डेटा साइंटिस्ट के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। तीन, देखो क्या होता है, तीन लोग होते हैं एक कंपनी में मैनेज करने के लिए बेसिकली। एक तो होता है प्रोग्रामर, जो क्या करता है कि कोडिंग करता है जिस बेस पर वो सॉफ्टवेयर बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक होता है DBA, इट्स कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आई थिंक यू नो अबाउट इट, और एक्सेल और एसक्यूएल जो करते हैं वो DBA होते हैं। प्रोग्रामर होता है, DBA होता है। एक जो थर्ड बंदा होता है बेसिकली वो कौन होगा, मशीन। फर्स्ट प्रोग्रामर होगा, देन DBA होगा। मशीन लर्निंग मैंने यहां पर क्यों लिखी, क्योंकि एक कंसेप्ट है बेसिकली डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मशीन के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिकली। तो देखो यहां पर पहली बात आई कि मुझे किसकी नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात आई
कि मुझे किसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी बात आई कि मुझे मशीन की नॉलेज भी होनी चाहिए।